हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल सत्य रावत ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। और आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं मशीन में धागा कैसे डालते हैं। तो बड़ी मशीन अम्ब्रेला मशीन है फ्रेंड्स मेरे पास, और आज मैं उसमें धागा डालना आपको बताऊँगी कि उसमें सिलाई का धागा कैसे डालते हैं। बने रहेगा फ्रेंड्स मेरे साथ, और आज हम सिलाई का धागा डालेंगे मशीन में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मशीन है, बड़ी मशीन अम्ब्रेला मशीन बोलते हैं जिसको। तो इसमें मैं धागा डालूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स इसका धागा थोड़ा कठिन होता है डालना, इसमें थोड़ा अलग अलग कनेक्शन होते हैं धागा डालने के। छोटी मशीनों में तो आराम से डल जाता है, लेकिन बड़ी मशीन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से धागा डालते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें तीन छेद होंगे मशीन में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये तीन छेद हैं। तो अब हम ये धागा इसमें डालेंगे, इन तीनों छेदों में हम ये धागा डालेंगे। सबसे ऊपर वाले से फ्रेंड्स हम इधर को लाएंगे धागा, फिर बीच वाले में से उस साइड को, फिर इधर तीनों में डालेंगे धागा। मैं आपको दिखाऊँगी। फिर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रील टाइप का ये गोल मशीन पे बन रखा होगा। तो अब हम इसी के अंदर इस धागे को डालेंगे, इस तरीके से डालेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ। इसी के अंदर से ये धागा आएगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने ऊपर वाला धागा डाल दिया है, और अब मैं इस नीचे वाले धागे को डालूँगी। अंदर की साइड से फंसा के लाऊंगी मैं इसको। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मैंने ये धागा डाल दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्लेट टाइप की है वो, तो इसके अंदर हमने धागे को फंसाना है और इसी के अंदर से धागे को लेके आना है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से धागे को। अब यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक छेद होगा मशीन के इस वाले कॉर्नर पे, आप देख सकते हैं। तो अब हम इस धागे को इसके अंदर डालेंगे। ये अम्ब्रेला मशीन है फ्रेंड्स, ये थोड़ा बड़ी मशीन है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आती है धागा डालने में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से इसमें धागा डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने उस वाले छेद में भी धागा डाल दिया, और अब मैं आपको नीचे ले जाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी तार टाइप की कुछ निकल रखा होगा, तो इसमें भी हमने धागा डालना है, धागा फंसा देना है। आप देख सकते हैं कम से कम चार पांच छेद इसमें हैं, तो इन सब में हमने धागे को डालना है। इसमें भी हमने धागे को फंसा दिया है, और अब बारी है हमारी नीडल की यानी सुई की। तो अब हम जाएंगे सुई पे। बाकी पूरा धागा हमने ऊपर से कम्प्लीटली डाल लिया है। देखिए फ्रेंड्स ये पूरा धागा मैंने डाल दिया है, और अब मैं ले जाती हूँ सुई के सामने। ये हमारी सुई है, इसमें एक छोटा सा छेद होगा फ्रेंड्स सुई में, तो हम इसी साइड से सुई में भी धागा डालेंगे। आप देख सकते हैं, तो मैंने सुई में भी धागा डाल दिया है इस तरीके से।
तो फ्रेंड्स मैंने पूरी मशीन में धागा डाल दिया है। इसी तरीके से हम मशीन में धागा डालते हैं बड़ी मशीन में, इस तरीके से आसान भी होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त। और आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।